हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम क्लास प्लस वन का लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर सिक्स है, ये टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। जो हमने लास्ट वीडियो दी थी वो फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड थी लीनियर इनइक्वालिटीज की। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। वो क्या है, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है मॉड एक्स लेस देन ए, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? मॉड एक्स अगर लेस देन है, इसका मतलब ये जो एक्स है ना, वो कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? माइनस ए से लेकर ए के बीच में। प्रॉपर्टी नंबर वन, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, मॉड का मतलब है जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में लाई करेगी। प्रॉपर्टी नंबर टू, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो आप लिख सकते हो एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगी। ठीक है बेटा, इसी से रिलेटेड है हमारी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। किस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको मेन थीम बता देती हूँ। हमारा स्टेटमेंट इस टाइप से आएगा, मान लीजिए सॉल्व क्वेश्चन है मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है जी, मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को सॉल्व कैसे करेंगे? मॉड का मतलब क्या है कि हमारी ये जो टर्म है ये दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, माइनस 2 और 3 के बीच में। मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है जो एक्स प्लस 1 है वो लाइज कर रहा है माइनस 3 और 3 के बीच में। आप इन टर्म्स को अलग अलग लिखें, माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, ये माइनस 3 है, प्लस 1 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस 1 हो गया। माइनस 3 माइनस 1 होता है माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, प्लस 1 उधर शिफ्ट हो गया, माइनस 1 हुआ, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा ध्यान दे, माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4। अगर माइनस 4 एक्स से बड़ा तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4 है। अब मेन आता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन से, 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4। अब आप देखें 2 और 2 से ग्रेटर नंबर कहाँ होंगे, 2 को तो डार्क करेंगे करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू आगे होगा, माइनस 4 और माइनस 4 से छोटे नंबर इसको भी डार्क करेंगे और लेस देन इक्वल टू पीछे की तरफ होगा। एक वैल्यू इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इसका मतलब इसके बीच में जो सॉल्यूशन की टाइप क्या होगी वो क्या होगी? देयर इज नो सॉल्यूशन। ओके, तो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्स प्लस 1 जो भी एक्स की वैल्यू है, अगर हमारा स्टेटमेंट एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का है, तो इसका मतलब ये जो एक्स प्लस 1 है वो लाइज करेगा माइनस 3 और 3 के बीच में। आपने टर्म्स को सेपरेट किया, माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। माइनस 3 वही रहा, प्लस 1 इधर शिफ्ट हो गया, माइनस 1 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इधर से एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, माइनस 4 बड़ा है एक्स से, इट मींस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4। जैसे आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, हमारा जो सोल्यूशन की टाइप आई थी वो आई थी नो सोल्यूशन। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। बस इसमें ये मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इनमें से बेटा एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज ग्राफिकल। अब आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, इन जो भी इनइक्वालिटीज हमें गिवन है उनको आपने बेटा रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, y इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, ध्यान दें सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है बेटा, y इज ग्रेटर देन 2। आप सबसे पहले इसको ड्रॉ करें बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है जी। यहाँ ओरिजिन होता है 0 से 1 2, इधर भी 1 और ये भी 2। आप पहले देखो y इक्वल टू 2 कहाँ है, इसकी इक्वेशन बना ली y इज इक्वल टू 2। पहले देखो y एक्सिस पे 2 कहाँ है, y एक्सिस पे 2 लिया, और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा x के पैरेलल। हमने ऑलरेडी 9 क्लास में भी पढ़ेंगे कंसेप्ट, y इज इक्वल टू 2 पहले देख लो कहाँ पे, और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा x के पैरेलल। वो कहते हैं बेटा ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर कहाँ होंगे, अपवर्ड, क्योंकि 2 3 4 ऊपर है, तो डायरेक्शन इसकी ये बनेगी अपवर्ड्स। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट है 2x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करें, ध्यान दें, 2x is greater than equal to बेटा plus 6 उधर शिफ्ट हो गया, minus 6 हो गया, x is greater than equal to minus 6 divided by 2, x is greater than equal to minus 2। ओके,
अब वो कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, पहले देखो ड्रॉ कैसे होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, से वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऊपर वन टू थ्री। आप ये देखो x की वैल्यू माइनस थ्री कहाँ पे है, x एक्सिस है और x इज इक्वल टू माइनस थ्री ये रखो, और x इज इक्वल टू माइनस थ्री था, ग्राफ कैसा होगा y के पैरेलल, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री से बड़े नंबर इधर होंगे कि आगे होंगे, आगे होंगे, माइनस टू माइनस वन सारे बड़े नंबर हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओके, आगे की तरफ बनेगी डायरेक्शन। बेटा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देती हूँ आपको मैं, जैसे कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया से 3y माइनस में 5x लेस देन 30, कंसेप्ट यही है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 3y माइनस 5x लेस देन 30, मान लीजिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सॉल्व इट ग्राफिकली, आप इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा स्टेप नंबर वन क्या है, आपने इस इनइक्वालिटी की क्या बनानी, इक्वालिटी मतलब सबसे पहले इक्वेशन बनेगी 3y माइनस का 5x इज इक्वल टू 30, इक्वेशन बनेगी 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, आप x को जीरो पुट करो सबसे पहले, जैसे आप सबसे पहला काम जब भी टू वेरिएबल का केस हो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, आपने x को जीरो पुट किया, जैसे x को जीरो पुट किया 3y किसके इक्वल है 30 के, तो y कितना आ गया 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया बेटा 10, x को जीरो पुट किया y आ गया 10। अगले कंसेप्ट में y को जीरो पुट करो, जैसे आपने y को जीरो पुट किया x की वैल्यू आएगी माइनस 6, 30 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज माइनस 6, x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन 0 से 2 4 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 2 4 6 8 10 ओके, अच्छा 10 y का है ना, तो 8 और ये 10 यहाँ पे लेते हैं, उस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें, देखो जब टू वेरिएबल का केस हो स्टेप नंबर वन आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बेटा कैसे निकालते हैं, अगर आप x को जीरो पुट करोगे y की वैल्यू आएगी और y को जीरो पुट करोगे x आएगा, अब फिलहाल x को जीरो पुट किया तो y की वैल्यू 10 यहाँ बनेगी, जब x जीरो y 10, अगला स्टेप है x माइनस 6, ये रहा x माइनस 6 y जीरो यही होगा, जब x की वैल्यू माइनस 6 है तो y जीरो इसी के ऊपर होगा, आपने इनको मिला दिया ग्राफ बन गया ये। अब आपको कि मैम डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, आपने करना क्या है टू वेरिएबल का तरीका क्या है, स्टेटमेंट में x को जीरो y को जीरो पुट करो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो लेस देन 30, अब आप बताओ क्या जीरो नंबर 30 से छोटा होता है, ये बिल्कुल ट्रू है, अगर डायरेक्शन ट्रू है इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी ग्राफ की वो ओरिजिन की तरफ बनेगी मतलब डाउनवर्ड्स, सभी बच्चों को पता है ओरिजिन ये रहा तो डायरेक्शन इसकी टूवर्ड्स ओरिजिन बनेगी, कब, अगर केस हमारा ट्रू का है, अगर यही केस फॉल्स का होता तो अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब अपवर्ड्स बनती, टूवर्ड्स का मतलब ट्रू का मतलब है बेटा डायरेक्शन जो होगी टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चंस है सॉरी, तो आप एक काम ही करें, इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।